कसले ना होता पूरा भारत तीन काले कृषि कानून के खिलाफ में बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, राजद और तमाम जो पार्टियां हैं केंद्र सरकार के विपक्षी पार्टियां, उनका पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि जो भी कानून लाया जाए वह जनता के हित में होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो नोटबंदी का कानून लाया गया था तो पूरी जनता त्राहिमाम थी और आज तक झेल रही है। दूसरा कानून उन्होंने लाया था कि जीएसटी लाने के बाद कहा था कि ग्रोथ रेट जो है 2% और 4% बढ़ेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग 23% डाउन हो गए। लेकिन ये कृषि का क्षेत्र ही ऐसा था जिसने 19% ग्रोथ रेट दिखाया था अपना, और आज मोदी सरकार उस ग्रोथ रेट को भी खत्म करने की साजिश कर रही है, और किसानों को और किसानों के साथ साथ हिंदुस्तान में बसने वाले 130 करोड़ जनता को भी मार देना चाहती है, जिसका हम विपक्षी दल कड़ा विरोध करते हैं। और कल के भारत बंद में पूरी तैयारी के साथ संपूर्ण विपक्ष सड़कों पर उतरने का काम करेगी, और हम हर चौक चौराहा को जाम करेंगे, और इसके लिए हमारे तमाम रणनीति बनाई जा चुकी है। इसमें हम लोगों ने कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएम माले, तमाम दल के लोग रणनीति बना चुके हैं, और कल का बंद ऐतिहासिक होगा, और ये काला कानून जो है उसे मोदी सरकार को वापस लेना होगा।